हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं NoPixel 4.0 इंस्पायर्ड मल्टी कैरेक्टर स्क्रिप्ट हमारे क्यूबीकोड सर्वर में। इस स्क्रिप्ट को डेवलप किया है P4 स्क्रिप्ट्स ने एंड ये स्क्रिप्ट आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको इनके GitHub रेपो पे आ जाना है एंड वहीं से आपको इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट अभी रिलीज हुई है एंड ये वीडियो मैं अभी ही बना रहा हूँ, तो थोड़े बहुत इश्यूज आपको शायद इसमें आ सकते हैं। बाकी आप स्क्रिप्ट के फीचर्स देख सकते हैं, इसमें आपको कैसे इंटरफेस दिखता है वो आपको यहीं पे देखने को मिलता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं कुछ यहां से। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि इसके अंदर वही बेसिक स्क्रिप्ट है। सो आपको क्या करना है, इस मेन फोल्डर को यहाँ से कर लेना है कॉपी, या फिर आप कह सकते हो एक्सट्रैक्ट, एंड उसको करना है आपको एक्सट्रैक्ट अपने क्यूबीकोर सर्वर के रिसोर्सेज फोल्डर में कुछ यहाँ पे। इसके बाद आपको मेन रिमूव करना है यहाँ से सबसे पहले तो। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपकी जो मेन मल्टी कैरेक्टर स्क्रिप्ट थी उसको रिमूव कर देना है, वरना डबल स्क्रिप्ट रन करेगी तो आपके सर्वर में इशू आएगा। सो उसके लिए हमें जाना है क्यूबी में, एंड क्यूबी में आने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे क्यूबी मल्टी कैरेक्टर पे एंड आपको इसको डिलीट कर लेना है कुछ यहाँ से। एंड इसके बाद आपको बस एक और स्टेप करना है जो कि आता है आपके क्यूबी हाउसेस में। सो आपको आ जाना है क्यूबी हाउसिंग में अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, वरना आपको अपने हाउसिंग स्क्रिप्ट के अंदर चले जाना है। तो ये रही मेरी क्यूबी हाउसिंग कुछ यहाँ पे। एंड इसके बाद आपको आ जाना है सर्वर में, एंड सर्वर अंदर आके आपको मेन लुआ पे आ जाना है। उसके बाद आपको एक बार इसके वापस गिटहब रेपो पे आना है एंड वहीं पे आपको बताया हो कि आपको क्या चीज चेंज करनी है। सो आपको यहां पे दिखाया है कि 324 नंबर पे आपको ये लाइन मिलेगी जो कि है ट्रिगर इवेंट, एंड उसके अलावा चूज कैरेक्टर जो आपका इवेंट ट्रिगर हो रहा है। सो आपको इसको चेंज करके आपको इसके जो मल्टी कैरेक्टर स्क्रिप्ट का जो ट्रिगर है आपको उसमें रिप्लेस कर देना है। सो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। सो आपको सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना है कुछ यहां से एंड यहां पे आपको सर्च करना है कुछ ऐसे। सो आपको दिख जाएगा कि 324 पे ये लाइन है, आपके नीचे ऊपर नीचे भी हो सकती है, बट यही लाइन आपको रिप्लेस करनी है, कोई और लाइन मत चेंज करना वरना उससे आपका जो सर्वर है वो ब्रेक हो सकता है। सो यहां से आपने उसको किया कॉपी, एंड अब आपको क्या करना है, ये वाली जो दूसरी लाइन है ये कॉपी करना है एंड आपको इसको रिप्लेस कर देना है उस लाइन से कुछ ऐसे, एंड यहाँ पे आपका काम हो गया। अब आपको इसको क्लोज कर देना है एंड अब आपको इस स्क्रिप्ट को इंश्योर करना है, एंड इसको इंश्योर कैसे करना है वो भी आपको यहीं पे बताया गया कि आपको क्यूबी कोर के बाद इंश्योर करना है बट क्यूबी स्पॉन से पहले। सो हम बिल्कुल वैसे ही करते हैं। तो मैंने इस लाइन को कॉपी कर लिया है एंड अब मैं आ जाता हूँ इसकी सर्वर सीएफजी वाली फाइल पे जो कि है कुछ यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं आ जाता हूँ क्यूबी कोर में एंड उसी के नीचे मैं इसको इंश्योर कर लेता हूँ कुछ ऐसे। आपने सारे स्टेप देख लिए होंगे, बस आपको ऐसे ही फॉलो करने हैं। एंड ये सब करने के बाद आपका सारा काम हो चुका है खत्म, बट अब क्या है इसकी हमें थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। सो इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, बट अगर आपको इसमें कुछ कॉन्फ़िग करना हो सो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे जो इंटीरियर की लोकेशन है आपको वो मिल जाती है एंड ये वेक्टर 3 है, मतलब आप सर्वर के अंदर जाके वेक्टर 3 लोकेशन से इसको रिप्लेस कर सकते हो बहुत ईजिली। उसके अलावा डिफॉल्ट स्पॉन एंड ये कहाँ कहाँ हो रहा है आप एक बार यहाँ पर टेलीपोर्ट करके देख भी सकते हो कि बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पर है एंड आपको इसको रिप्लेस कहाँ से करना है, वो सारा आपके एंड पे है। इसके अलावा यहाँ पर सिनेमेटिक लोकेशन है जो कि आप चेंज कर सकते हो, बट मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप एक बार चीज़ ट्राई कर लेना उसके बाद ही चेंज करना। इसके अलावा आप नंबर ऑफ कैरेक्टर भी चेंज कर सकते हो, मतलब बाय डिफॉल्ट आप इसमें अभी 2 कैरेक्टर बना सकते हो, आप इसको मैक्स 4 तक लेके जा सकते हो, 4 के आगे आप इसको मत लेके जाओ बिकॉज इन्होंने बोला हुआ है, एज वेल एज इंटरफेस वो फिट नहीं आएंगे तो यहाँ पर शायद स्क्रोल वाला ऑप्शन हो ना हो, इसीलिए इन्होंने बोला कि आप इसको 4 तक ही रखो। सो मैं इसको यहाँ पर 4 तक रख देता हूँ, एज वेल एज अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि आप बाय डिफॉल्ट 2 कैरेक्टर रखते हो बट आपको किसी को 3 या 4 कैरेक्टर देने, मतलब बाय पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि आपको मुझे एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर देना है, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको इसी कन्फिग में ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है लाइन नंबर 11 पे कि आप उसका लाइसेंस पेस्ट कर लो, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेयर का आप लाइसेंस यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो एंड उसके जो कैरेक्टर है वो आप मॉडिफाई कर सकते हो यहीं से ही। एंड ऐसे अगर आपको और लोग ऐड करें तो आपको बस इस लाइन को करना है कॉपी एंड आपको ऐसे पेस्ट करते रहना है, एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर आप चेंज कर सकते हो सबके अपने हिसाब से। सो इसकी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ही है। इसके अलावा ये है बाकी मल्टी कैरेक्टर स्क्रिप्ट क्यूबी कोर का ही, मतलब जो हमें जो सिंपल वाला मिलता है वही है। अगर आप इसका कोड भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो, सारा चेंज इसका यूआई में हुआ है जो कि आ जाते हैं इसके एचटीएमएल वाले फोल्डर में। अगर आपको वहाँ पर कुछ कलर चेंज कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हो, बाकी सब कुछ आपके हाथ में, आपको इसके साथ क्या करना है। सो यहीं पर था इसका कन्फिगेशन का पार्ट एंड मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि आप इसके अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। सो अब हम चलते हैं हमारे सर्वर के अंदर एंड टेस्ट करते हैं इस स्क्रिप्ट को। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग जो है 5M ऑफिशियल होस्टिंग पार्टनर, एंड इनके हेल्प से आप अपना 5M सर्वर होस्ट कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। एंड चेकआउट के टाइम यूज करना मेरा प्रोमो कोड जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट, एंड ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में।
सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने सर्वर के अंदर एंड ऐसी कुछ मल्टी कैरेक्टर स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। ये जो इंटीरियर है ये ऑफिस का इंटीरियर है एंड ये आपको इसी गेम के अंदर ही मिलता है, मतलब आपको कुछ एड ऑन नहीं करना पड़ेगा। सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने 2 कैरेक्टर्स ही किए थे तो आपको यहाँ पे 2 कैरेक्टर दिखेंगे, इसके अलावा आप ऐड कर सकते हो उसी कन्फिग फाइल में जाके। सो ये मेरा जो कैरेक्टर है ये मैंने पहले से ही बना रखा था, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि वो कैरेक्टर मेरा पीछे आ रहा है। अगर आपको इसको आगे लेके आना है तो आपको इसकी कन्फिग फाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे एंड आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि आपको इसको कहाँ पे पोजीशन करना है। याद रखना कि सब प्लेयर्स का एक अलग अलग रेजोल्यूशन होता है, तो सब किसके लिए कहाँ पे आ रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। किसके कुछ के लिए शायद उसके पैर शायद बाहर आ जाए या कुछ ऐसा वैसा हो जाए, तो इसलिए आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रख लेना। सो आपको कुछ ऐसा दिखता है, अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको 2 ऑप्शन आते हैं, स्पॉन का और डिलीट करने का। जैसे आप स्पॉन करते हो सो नॉर्मल जो क्यूबी स्पॉन है या फिर आपकी कोई भी स्पॉन की स्क्रिप्ट है वो वर्क करेगी एंड आपका जो प्रोसेस है वो वैसे ही वर्क करेगा। अगर आप एक न्यू कैरेक्टर क्रिएट करते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसा आपको देखने को मिलता है। सो आप जैसे न्यू कैरेक्टर क्रिएट करते हो कुछ यहाँ से, उसके बाद आपको करना है क्रिएट एंड क्रिएट के बाद ही आपको ऑप्शन देगा मेल या फीमेल एंड ये जो इंटरफेस है बिल्कुल नो पिक्सल 4.0 जैसा ही आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारा मेल एंड यहाँ पे मैं नेम सेलेक्ट ऐड कर देता हूँ कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल शॉन रॉड्रिग्वेस, रैंडम नेम है एंड अगर हम नेशनैलिटी लिखें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोर्टुगल एंड डेट ऑफ बर्थ हम कुछ भी लिख देते हैं, बाय डिफॉल्ट 2005 है, आप कुछ भी कर सकते हैं तो आपके एंड पे ही है। सो यहाँ पे मैं बस कर देता हूँ इसको कंफर्म कुछ ऐसे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि वापस अब जो हमारी नॉर्मल स्क्रिप्ट है जो कि स्पॉन वाली स्क्रिप्ट अब वहाँ पे ट्रिगर जाएगा, जो हमारा बेस हमारा जो सिलेक्ट करेगा कि हम कौन से घर पे स्पॉन करेंगे एंड उसके बाद हमारी क्लोदिंग की स्क्रिप्ट ट्रिगर हो जाएगी जो हमारा कैरेक्टर डेवलप करवाएगी। सो यहाँ से आप देख सकते हो आप अपना जो कैरेक्टर है वो पूरा सेटअप कर सकते हो एंड इसको कन्फर्म कर सकते हो कुछ ऐसे ही। सो यही थी दोस्तों स्क्रिप्ट जो हमारे एकदम बढ़िया से वर्क कर रही है। अगर आप बोलो कि कैरेक्टर डिलीट कैसे करना है तो मैं आपको वो भी एक बारी करके दिखा देता हूँ। उसके लिए मेरे को इस घर से बाहर जाना पड़ेगा पहले, से मैं आ जाता हूँ मैं बाहर एंड मैं कर लेता हूँ लॉग आउट। ये एडमिन कमांड है तो सिर्फ एडमिन ही ये कमांड को यूज़ कर सकते हैं। सो वापस मैं आ जाता हूँ अपने मल्टी कैरेक्टर स्क्रीन पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो सेकंड कैरेक्टर वो अब आपको देखने को मिलेगा। सो इसको मेरे को अगर डिलीट करना तो मैं इसको यहीं से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया कन्फर्म का ऑप्शन एंड ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा बड़े सिंपल से। सो ऐसा कुछ देखने को दोस्तों मिलता है हमें ये पूरी स्क्रिप्ट एंड अगर आपको अच्छी लगी सो आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने सर्वर में एंड हमेशा की तरह मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको सबसे पहले अपने टेस्ट सर्वर पर ऐड करना एंड उसके बाद ही अपने मेन सर्वर पर ऐड करना फॉर टेस्टिंग रीज़न कि आपका कोई भी सर्वर में कोई भी डेटा वो ख़राब ना हो एंड कोई भी इशू ना आए आपके रेगुलर प्लेयर के साथ में। सो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक थी एंड अगर आपका कोई भी आइडिया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो एंड मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई ज़रूर करूँगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही एंड जाने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग, जहाँ आप होस्ट कर सकते हो अपना खुद का 5M सर्वर इनके गेम सर्वर होस्टिंग में, या फिर आप बाय कर सकते हो VPS या फिर रूट सर्वर अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP सर्वर है। एंड यहाँ पे आप मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना बिकॉज उसमें आपको रिन्यूअल के टाइम एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।